नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। यूं तो चिराग पासवान के फैंस कई सारे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त चिराग पासवान के घर पर एक ऐसा शख्स पहुंचा है जिसने अपनी छाती पर ही रामविलास पासवान और चिराग पासवान की तस्वीर बना रखी, यानी टैटू करवाया हुआ है। इसके अलावा आप सर पर जो मुकुट देख सकते हैं, वो हम आपको दूसरे विंडो में वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर चिराग पासवान के लिए ये मुकुट आया था, उनके लिए ये शख्स ये मुकुट लेकर के आते हैं, लेकिन चिराग पासवान खुद उन्हें ये मुकुट पहना देते हैं। कहाँ से चलकर आए हैं आप? हम कलकत्ता से हैं। कोलकाता से आए जी। कैसे जानते हैं चिराग पासवान? ऐसे ये फोन पे देखते देखते एकाएक विश्वास जताने लगे। एकाएक कलकत्ता से चल के इतनी दूर आप बिहार आ गए चिराग पासवान से मिलने के लिए, उनको देखने के? जी हम तो बहुत दिन पहले भी आते हैं। हाँ। तो एकाएक कैलसिंग होते गया फिर एकाएक सीरियस हो गया दो तीन दिन पहले। हाँ। फिर आ गए, मालिक भी मना किया, अभी गर्मी बहुत है मत जा, हम फिर भी आ गए। अच्छा। जी टीवी पे देखते थे, फोन पे देखते थे? जी हमारे फोन पे पूरा मीडिया वो है जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि कैसे, मतलब जाने कैसे उनको, ठीक है फोन पे देखे, इतना ज्यादा क्यों पागलपन उनके लिए? एक समय में हम गए थे सर बोलने, उतना ख्याल नहीं है, ये धरती डोल रहा था उस समय गए थे, तो चिराग भाई एक साइड में बैठे थे, हम लोग नहीं मिल सके, हम बचपन में थे। फिर हम उस दिन क्या सोचे कि सोचे एक दिन मिल कर रहेंगे, उसी दिन आंखें नम हो रही हैं, रहे हैं ना, तो ऐसा काफी खुश। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, रोने लगे ना, तो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अभी रो रहे हैं? नहीं नहीं, भागना है ये मेरा। हाँ। बोला कि जो मामू हमारे हैं तो हमारे साथ चलिएगा, तो बोले ठीक है हम आएंगे, तो आ गए हैं साथ। तो आंखें नम आपको हो गई? प्यार से हो गया। जी जी, प्यार मिला पूरा? जी जी, भरपूर भरपूर। चिराग जी तो सेल्फी भी लिया? जी जी जी, खुश हैं जी, दिल से जी। तो देख सकते हैं साफ तौर पर चिराग पासवान की जबरा फैन, उनके लिए पागलपन, दीवानगी किस कदर देखने को मिल रही है और किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं, आंखों में पानी है। यूं तो फैंस चिराग पासवान के कई हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फैंस भी मिल जाते हैं जो कि हट के होते हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।